सो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 50,000 रुपये में इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे जितने भी लोग नए आए हैं सभी लोग सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो वॉच कीजिए। और यहाँ पर ये न्यूज़ आई है न्यू दिल्ली ऑटोडेक्स की तरफ से, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। और वहीं भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में लगातार इजाफा हो रहा है। लोग पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से हुए परेशान, लेकिन अब नहीं होंगे परेशान, अब अधिकतर गाड़ियां होंगी ईवी में। अगर आपकी भी अच्छी बैटरी रेंज वाली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर या कहें इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का मन है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की जानकारी। लेकिन आइए जानते हैं इसकी कीमत कितनी होने वाली है। और हर साल भारत में मौजूदा कई स्टार्टअप कंपनियां शानदार बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश करती हैं, जिसमें पहले नंबर पर आती है कोमाकी XGT KM। और वहीं कोमाकी के इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत की बात करें तो 42,500 रुपए से शुरू की गई थी। और वहीं यह सीलिंग चार्जिंग में 85 किलोमीटर तक ही चल सकती है। इसके अलावा कुबेरा मोबिलिटी कोलिगो की कीमत 45,990 रुपए रखी गई थी, जो सीलिंग चार्जिंग में 100 किलोमीटर तक की दूरी तय करती थी। और वहीं ध्यान देने वाली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत भले ही कम हो, लेकिन इसकी सीलिंग चार्जिंग में मिलने वाले रेंज पर आपको संतुष्ट जरूर कर सकती है। वहीं पर ये नंबर वन पर आती है कुमाकी, जिसकी इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत है 45,000 रुपए। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना। एंड मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।